आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। छब्बीस नवंबर 2008 यही वो काला दिन था जब आतंकियों ने अपने नापाक इरादों से मुंबई को दहला दिया था। आज का दिन भारतीय इतिहास के उन काले पन्नों में दर्ज है जब आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को हिला दिया था। इस दिन को मुंबई और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी शख्स नहीं भुला सकता। इसी दिन पाकिस्तान की धरती पर ट्रेनिंग लेकर आए आतंकियों ने मुंबई की सड़कों, रेलवे स्टेशनों, होटलों और कैफे में लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। लोगों के मुंह से निकली चीख पुकार आज भी मुंबई की गलियों में गूंजती है। आज ही के दिन लश्करे तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। एक तरह से करीब 60 घंटे तक मुंबई बंधक बन चुकी थी। इस आतंकी हमले को आज 12 साल हो गए हैं, मगर यह भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई भूल नहीं सकता। इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दरअसल 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे थे। इस नाव में 4 भारतीय सवार थे जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते खत्म कर दिया गया। वहीं रात के तकरीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे फांसी दी जा चुकी है। दोनों के हाथों में AK-47 राइफलें थी और 15 मिनट में उन्होंने 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 109 लोगों को जख्मी कर दिया। लेकिन आतंकी कहानी यहीं खत्म हो जाती तो शायद दुनिया मुंबई हमलों से उतना ना दहलती। आपको बता दें कि 26/11 के दिन 3 बड़े हमले हुए थे, मुंबई का ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस। जब हमला हुआ था तो ताज में 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में हमलों की पहचान बन गया। इस काले दिन की तस्वीरें आज भी दिल दहला देती हैं और आंखें नम कर देती हैं। आज के दिन सभी शहीद लोगों को गेटवे ऑफ इंडिया पर श्रद्धांजलि भी दी जाती है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।